जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम का जो विषय है वह है समाधि समाधि रहस्य समाधि क्या है आज हम इसी विषय पर समझने का प्रयास करेंगे इस चर्चा में आज के इस लाइव चर्चा में तो कल हमने धारणा और ध्यान को समझने का प्रयास किया उससे पूर्व हम प्रत्याहार प्राणायाम आसन नियम यम सब देख चुके हैं तो समाधि अष्टांग युग का आठवां अंग है अष्टांग युग के आठ अंगों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है तो समाधि आठवां अंग है तो इस आठवें अंग में ही योगांगों का अंत होता है आठ अंगों का अंत होता है इसी को अष्टांग योग कहते हैं आठ अंगों से यह संपूर्ण इनका अनुष्ठान करना अष्टांग योग की साधना है महर्षि पतंजलि ने ऐसा पूर्व ही हमें बताया है तो हमने धारणा समझा कि धारणा क्या है किसी भी विषय पर अपनी एकाग्रता को स्थापित करना अपने चित्त को एकाग्रता पूर्वक उस विषय के साथ बांधना ही धारणा है अर्थात आपने किसी विषय पर ध्यान लगा दिया जो धारणा के विषय होते हैं अब यह एक अलग विषय भी है कि धारणा कहाँ करनी चाहिए अपने इष्ट की मूर्ति पर भी वैसे कर सकते हैं लेकिन वह बाह्य क्रिया कहलाएगी बाह्य क्रियाओं से धारणा लेकिन ध्यान संभव नहीं हो पाता तो हम अपने अंतर में किसी विषय पर अगर ध्यान केंद्रित करें तो ज्यादा लाभान्वित होंगे जैसे कि श्वास प्रश्वास जैसे कि श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद होना उस शून्य अवस्था में या फिर नासिकाग्र पर जिह्वा आग्र पर मूर्धा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य नाद ध्यान नाद में नहीं तो श्वास प्रश्वास के मध्य जो शून्य है उस शून्य की धारणा करें विज्ञान तंत्र में ऐसी धारणाएं बताई गई हैं तो इस प्रकार से धारणाएं करनी चाहिए अनेकों धारणाएं हैं आप अभ्यास के उद्देश्य से अगर सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए वही आपके लिए सबसे बेहतर होगा तो धारणा से प्रारंभ करने पर एक ही वृत्ति का बंधन चित्त को होता है किसी अन्य वृत्तियों का प्रवेश वर्जित हो जाता है निरुद्ध हो जाता है अनेक अनेक वृत्तियों का निरोध कर कर एक ही वृत्ति के प्रवाह को बढ़ाया जाता है तो जब आप एक ही वृत्ति के में प्रवाहित होते हैं अपने यत्न से तो वह धारणा है लेकिन जब आपका यत्न ना रहे वह क्रिया स्वतः ही हो जब वह क्रिया समान रूप से स्वतः ही होने लगे तो वह ध्यान कहलाएगा कल हमने इस विषय को अच्छे से समझने का प्रयास किया था कि धारणा और ध्यान का रहस्य क्या है धारणा और ध्यान का रहस्य क्या है यह हमने बहुत अच्छे से कल समझने का प्रयास किया तो फिर जब एक वृत्ति किसी एक ही विषय की वृत्ति बनी हो अन्य वृत्तियां निरुद्ध हो गई हो उनका निरोध हो गया हो और एक ही वृत्ति को बढ़ाया जा रहा हो और इसी को किसी एक वृत्ति से चित्त को बांध देना किसी एक विषय में ऐसी एकाग्रता स्थापित कर देना कि अन्य विषयों का या अन्य वृत्तियों का कोई प्रवेश ना हो पाए यह धारणा है लेकिन जब धारणा परिपक्व हो जाएगा तो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा अर्थात एक वृत्ति में एकाग्र रहने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा स्वतः ही होगा समान रूप से एक ही वृत्ति का एक ही वृत्ति बाकी रहेगी सारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होगी ऐसी अवस्था विकसित हो जाएगी तो हम उसे कहेंगे ध्यान ध्यान अपने आप ही गाड़ी चल पड़ी जैसे कि बिना लो बैटरी की गाड़ी को लोग धक्का देकर चलाते हैं तो जब तक धक्का देने की आवश्यकता है तब तक ध्यान धारणा है और जब अपने आप ही चल पड़ी आगे ही बढ़ गई तो फिर ध्यान शुरू हो जाएगा वह ध्यान है फिर अब हम चर्चा करते हैं समाधि की जी हां जब एक वृत्ति हो जाओगे तो फिर ध्यान हो जाएगा और ध्यान में ध्येय है ध्याता है और ध्यान है जिस ध्येय की वृत्ति ही ध्याता ने धारण करके रखा है जहां पर ध्येय और ध्याता है बस ध्यय की ही वृत्ति प्रवाहित हो रही है अन्य वृत्तियों का निरोध हो चुका है अन्य सभी वृत्तियों का निरोध हो चुका है मात्र ध्येय रूपी वृत्ति ही प्रवाहित हो रही है अखंड रूप से तो ध्यान है लेकिन जब ध्याता धे ध्याता और ध्यान दोनों ध्याता और ध्यान दोनों अपना स्वरूप खो दे और धे स्वरूप हो जाए ध्याता और ध्यान दोनों अपना स्वरूप खो देखिए दे, ध्येय ध्याता ध्यान ठीक धे, ध्याता ध्यान ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और बीच में है उन दोनों के बीच जो प्रोसेस हो रहा है वह ध्यान है लेकिन ध्याता भी ना रहे ध्यान भी ना रहे ध्याता और ध्यान दोनों अपने आप को हे में ही समाहित कर दे अर्थात ध्याता के स्वरूप की शून्यता आ जाए ध्याता के मतलब मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि मैं ध्यान करता हूं या आप ध्यान करते हैं तो आप ध्याता हुए अगर मैं ध्यान करता हूं तो मैं ध्याता हूं और फिर धे किसी धे को मैं टारगेट कर ध्यान कर रहा हूं चाहे मैं अपने अंतर्मुखी होकर उस ब्रह्म ज्योति में नीले ज्योति में मैं ध्यान कर रहा हूं या फिर मैं नाद में ध्यान कर रहा हूं नाद बिंदु में ध्यान कर रहा हूं तो जैसे भी मैं ध्यान कर रहा हूं मैं ध्याता हुआ और जिसका ध्यान हो रहा है वो ध्येय हुआ लेकिन जब ध्याता और ध्यान ही ना रहे मात्र ध्येय वस्तु रह जाए ध्याता स्वरूप शून्यता को प्राप्त हो जाए ऐसा कि जैसे कि मैं अपने स्वरूप को खो रहा हूं मेरा अपना जो अस्तित्व है वो डिसॉल्व हो रहा है डिसॉल्व हो रहा है जैसे लॉस्ट हो रहा है जैसे खो रहा है मैं हूं ही नहीं बस जो ध्य था वही है बस वो नाद स्पंदन है मैं तो रह ही नहीं गया मैं वही हो गया जो ध्य था तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा जल तरंग जैसा कनक कटिक जैसा तो ऐसी स्थिति बन जाए जब ध्यान की हमारे संतों ने यह कोई वाणी लिखी है कि तू तो ही मोही मोही तुझमें मुझमें कोई भेद ना रह जाए मेरा अपना अस्तित्व शून्य हो जाए बस तू ही तू रह जाए तो समझो कि समाधि में चले गए समझो कि समाधि में चले गए समाधि में ही परमात्म ज्ञान होगा उससे पूर्व अवस्थाओं में परमात्म ज्ञान न होता महर्षि व्यास अपना भाष्य देते हुए समाधि की ऐसे ही व्याख्या करते जब आपका स्वरूप शून्य हो जाए और आप वही रह जाओ जिसका आपने ध्यान किया आप स्वरूप शून्यता को प्राप्त हो जाओ तो समाधि होगी अर्थात प्रक्रिया कहां से शुरू हो रही है धारणा से धारणा परिपक्व होकर ध्यान बन जाता है और ध्यान परिपक्व होकर समाधि अधिपरिपक्व अपनी परिपक्वता की चरम सीमा को जब वो स्पर्श करने लग जाता है तो वह समाधि हो जाने लग जाता है वह समाधि होने लग जाता है ध्याता अपना अस्तित्व खोने लग जाता है ध्याता की स्वरूप शून्यता जैसी अवस्था बनती है और वह ध्येय रूप ही बन जाता है वह ध्येय रूप ही बन जाता है वह ध्येय स्वरूप ही हो जाता है यही ध्येय है यही ध्याता है तो हमें इस विषय को ऐसे समझना है कि ध्येय क्या ध्याता क्या और ध्यान जब ध्याता और ध्यान न रहे ध्येय स्वरूप हो जाए ध्याता अपना स्वरूप शून्यता को प्राप्त हो जाए मात्र ध्येय ही रह जाए और कुछ रहे ही ना तब जाकर समाधि होती है उसी समाधि में परमात्म ज्ञान संभव है उससे पूर्व परमात्म ज्ञान संभव नहीं है उसी समाधि में परमात्म ज्ञान संभव है उससे पूर्व कैसा संभव तो आपको ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए इसका आनंद और यह परमानंददायी अवस्था है ऐसी अवस्था में आपको पहुंचने के लिए निश्चय अभ्यासरत रहना पड़ेगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर आपको चलना पड़ेगा आपको उतना शांत होना पड़ेगा आपको उतना स्थिर होना पड़ेगा ऐसी अवस्था में आपको पहुंचना पड़ेगा जहां आपका लय हो जाए ऐसी अवस्था में आपको पहुंचना पड़ेगा तो हमें साधना करनी पड़ेगी अभ्यास करना पड़ेगा धीरे धीरे सारी व्याधियां सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी हमारे और हमारे परमात्मा के बीच में वह परम तत्व के बीच में सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप समाधि रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे समाधि में पहुंचा योगी परमानंद का भोग कर लेता है अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा लेता है अद्भुत अवस्था की प्राप्ति उसे हो जाती है तो हमें निश्चय ही इस पर विचार कर लेना चाहिए कि समाधि क्या है समाधि स्वरूप शून्यता है ध्यान करते करते ध्येय वस्तु में स्वरूप का शून्य हो जाना मात्र ध्येय वस्तु का ही विद्यमान रहना आपका संपूर्ण मन बुद्धि चित्त जो है वो ध्येय रूप हो गया आपने अपना स्वरूप खो दिया आपकी संपूर्ण मन बुद्धि चित्त जो है वह धेय रूप हो गई और आपने अपना स्वरूप खो दिया तो समझो कि आपकी समाधि घटित हो आपकी समाधि लग रही है तो जब हम स्वरूप शून्यता को प्राप्त करेंगे तो ध्येय ध्याता और ध्यान तो ध्याता के द्वारा ध्यान किया जाता है ध्येय के ऊपर ध्येय ही वो वृत्ति है जिसकी एक रूपता स्थापित होना अनिवार्य है तो जिज्ञासु मित्रों हमें भी यह विषय सही तरीके से समझना है और सही तरीके से समझकर ध्यान योग के मार्ग पर हमें बढ़ना चाहिए उपनिषदों में भी समाधि अवस्था की कई जगह पर चर्चा है वहां पर भी यह इसे सिद्धि के बाद मिलने वाली अवस्था के रूप में मान्य है अंतर्घट से समाधि को जानने योग्य है तो समाधि को जानने योग्य है समाधि का अनुभव करने योग्य है जरूरी है आवश्यक है कि निश्चय ही हम अपने ध्यान को वह परिपक्व करें धारणा करें अभ्यास करें और नहीं समझ में आ रहा कि कै, कैसे करना है तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है जो कि 20 अक्टूबर बीते हुए कल से 20 अक्टूबर से शुरू हो चुका है आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो 22 तारीख इसकी ज्वाइनिंग का आखिरी डेट है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्वेंटी टू अक्टूबर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ट्वेंटी टू अक्टूबर तक मतलब कल आने वाले कल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं फिर उसके बाद ट्वेंटी थ्री से आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये दो दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है कि आप बाईस तारीख तक ज्वाइन कर लीजिए यदि आपको यह ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना है इसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चलता है ठीक चिकित्सा का कोर्स भी चलता है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन पर आप संपर्क करें नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज से आप इसका डिटेल ले सकते हैं कि भाई हमें यह कोर्स कैसे ज्वाइन करना है हम ज्वाइन करें या ना करें जी हां ज्वाइन जरूर करें आप ताकि सूक्ष्मता से इन विषयों को समझ पाए आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्या है आप सूक्ष्मता से जान पाए और इसका लाभ उठा पाए तो जिज्ञासु मित्रों प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स और ध्यान योग के कोर्स के लिए दो दिन का समय आपके पास शेष है दो दिन क्या मात्र एक दिन ही कहिए बाईस तारीख इक्कीस तारीख तो बीत ही गया बाईस तारीख ही मात्र है उसमें आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए लाभ उठाइए अब जो है फिलॉसफी दर्शन का कोर्स ऑनलाइन फिलोसफी कोर्स इसको भी 29 अक्टूबर से यह शुरू होगा 29 अक्टूबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर फाइव नाइन्टी नाइन रुपीज फाइव नाइन्टी नाइन में मार्च मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिए मार्च मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए आप तीस तारीख से यह शुरू कर दिया जाएगा यदि ज्वाइन करने में कोई समस्या है तो संपर्क करके बताइए आपको कुछ दूसरा उपाय बताया जाएगा लेकिन अगर कोई ज्वाइन करने में समस्या नहीं है तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब चैनल पर जाइए दिव्य सृजन स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल पर जाइए वहां पर जाकर आप ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके आप जो है ज्वाइन बटन क्लिक करके आप वहां पर आपको मेंबरशिप मिलेगा मून मार्स सन जुपिटर आप मार्स को ज्वाइन कीजिए उसका पेमेंट कीजिए फाइव नाइन रुपीज नाइन पेमेंट कीजिए और आप ज्वाइन हो जाए ठीक है आप जुड़ जाएंगे फिर तो ये ज्वाइन करने का तरीका है फिलॉसफी के कोर्स को इस तरह से आपने ज्वाइन करना है अब एक और प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा कि इसका लाभ क्या है ये दर्शन का कोर्स करने से दर्शन नामक जो कोर्स है इसको करने से लाभ क्या है देखिए बहुत बड़ा लाभ है इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में अपना धर्म प्रचारक हो वो सनातन धर्म का प्रचारक रूप में अपने आप को समझे और प्रचार कर भी पाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो ध्यान योग से के कोर्स ज्वाइन कर या प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स ज्वाइन कर कर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाता है लेकिन साथ में थ्यूरी भी अगर अच्छी होगी तो आप किसी को समझा पाएंगे बता पाएंगे आपका ज्ञान वर्धन हो पाएगा ठीक तो दर्शन का कोर्स हमारे लिए कलर योर विजन अबाउट लाइफ लव गॉड वर्ल्ड एंड धर्म इन सब के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है उसे आप बदलिए तो ऑनलाइन कोर्स है फिलॉसफी, इसमें इंडियन एंड विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच मतलब पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं उनकी चर्चा भी इस कार्यक्रम में होगी उनका भी ज्ञान आपको मिलेगा तब तो आप और बेहतर तरीके से समझेंगे कि इस कोर्स का लाभ क्या है आप और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे कि इस कोर्स करने का लाभ क्या है ये तो ऐसे मन में प्रश्न उठ जाएगा कि भाई इसको जानकर क्या करना है जी हां अगर इसको भली भांति जानेंगे तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं धर्म से संबंधित अध्यात्म से संबंधित आप दूर कर पाएंगे नहीं तो आज का समय आज ही मैंने बड़ा दुखी हुआ मैं आज ऐसे ऐसे लोग पोस्ट डालते हैं हिंदू समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि अपने शास्त्रों के प्रति अशिक्षा का भाव है अशिक्षित लोग हैं शास्त्रों के प्रति और इस कारण से समाज जब अशिक्षित होता है तो पता नहीं कब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ले बताना मुश्किल अपना ही नुकसान कर बैठे क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा लाभ किस विषय में है उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा लाभ किस विषय पर है और वो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे तो सनातन धर्म हिंदू समाज में ऐसे लोगों की लोगों की संख्या बहुत भारी है बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको अपने वैदिक दर्शन की कोई समझ नहीं है अपने और विश्व दर्शन को भी अगर समझे विश्व मीमांसा को भी समझे विश्व विचारों को भी हम समझें तो हमारे लिए अपने धर्म को प्रस्तुत करना और आसान हो जाता है जो लोग फिलॉसफी कोर्स करेंगे बाद में वो अपने आप को एक अच्छे समझ को विकसित कर पाएंगे एक संसार के प्रति एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और अच्छे तरीके से वो लोगों को भी बता पाएंगे बिना परेशान हुए तो इन कोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंस है तो यह जो कोर्स है यह कोर्स आप ऑनलाइन सिस्टम में चल रहा है तो आप इसे ऑनलाइन ही ज्वाइन करें और ऑनलाइन डिटेल्स आपको चाहिए मैसेज कर दीजिए जो नंबर बताया गया उस पर आपको डिटेल्स दे दिए जाएंगे तो जरूर फिलासफी कोर्स का लाभ उठाएं आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएंगे आप अपने आप को सुदृढ़ बन, बना पाएंगे आप अपने आप को सुदृढ़ बना, आप बना पाएंगे आप अपने आप को अपना ज्ञान को सुदृढ़ कर पाएंगे और किसी को भी कुछ बताने समझाने में या आपके लिए बहुत ही सहायक होगा तभी तो एक एक सनातन धर्मी सनातन धर्म का प्रचारक बन जाए उसका ज्ञान उस स्तर का होगा तभी मात्र सिर्फ नारे लगाने से नहीं झंडा उठाने से नहीं हो जाएगा ठीक है अगर नींव मजबूत करनी है सनातन धर्म की तो सनातन धर्म के उन दर्शन का उन वैदिक दर्शन का भी समझ होनी चाहिए ज्ञान होनी चाहिए सिर्फ जानने से भी नहीं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ठीक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो समझ होनी चाहिए हमें अगर हमें समझ नहीं होगी सनातन तो धर्म की तो हम खुद ही बहुत भारी भारी गलतियां कर देंगे इसीलिए हम विचार करें और समझें इस विषय को और निश्चय ही इन कोर्सों का लाभ उठाकर अपना जीवन अच्छा करें लोगों का भी जीवन अच्छा करने में सहयोगी बन पाए और पूरे विश्व को पूरे भारत भूमि को गौरवान्वित करें वैदिक दर्शन को गौरवान्वित करें तो आवश्यकता हमें इसी प्रकार से है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें इसीलिए यह कोर्स फिलॉसफी का और इस कोर्स को जो ईमानदारी से करेगा अच्छे से करेगा वो खुद एक प्रचारक के रूप में विकसित हो जाएगा ठीक है तो जरूर ध्यान दीजिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का यह रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिला है ना कि लाइव सेशन था तो आपके कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं लेकिन बाद में जरूर कोशिश करेंगे उन पर कुछ चर्चा करने के लिए आप अपने कमेंट प्रत्येक दिन की भांति जरूर करें चलिए तो जिज्ञासु इसी के साथ आज हम विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं 9 पीएम पर लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का